देखें ये इस तरह की, इसको खोलते हैं। अच्छा ये ट्राइपॉड है, इसका जो मॉडल नंबर है वो है 3110, मेड इन चाइना, ये देख सकते हैं। एंड ये देखें इस टाइप का, ये आगे पीछे इसका यही दिया हुआ है। हम इसको खोलते हैं, इस तरह की पैकेजिंग निकलती है। सो खोलते हैं, ये एक चीज इसमें से निकली है। सो अब मैं आपको इसका भी बताऊंगी। अब मैं आपको इसके फंक्शंस बताती हूँ। ओके गाइस, सो ये मैंने ओपन कर लिया है। सो मैं इसके नॉब्स के बारे में आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपको एक नॉब देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये लॉक्स नज़र आ रहे हैं, होंगे आपको। इन लॉक्स को ओपन करना है, ये देखें ये एक्सटेंड हो गया, ये देखें, ठीक है। इस लॉक को बंद कर देंगे, फिर ये तीन लॉक आते हैं, ये तीसरा लॉक। इस तरीके से हम सब लॉक्स को ओपन कर लेंगे, ये एक्सटेंड हो जाएंगे, ये देखें इसको भी हम ओपन कर लेंगे। यस यस, तो ये देखें ये इतना बड़ा ये हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक आपको नज़र आ रहा होगा नॉब, इसको हम ओपन करेंगे। सो ये देखें इस तरीके से, आपने दो हाथों से, ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस दो हाथों से हो जाएगा। सो अब मैं आपको इनके नॉब्स के बारे में बताती हूँ। सो ये एक नॉब आपको दिख नज़र आ रहा होगा, इसको आपने लूज़ करना है, ये ठीक है, फिर ये चीज़ एक्सटेंड हो जाएगी, ये देखें ये अब बड़ा हो चुका है। के बाद हम इस नॉब के बारे में बात करते हैं। इस नॉब को करने से ये जो पार्ट है ये इस तरफ, मतलब सॉरी, ये इस तरफ ना मूव कर जाएगा, हर साइड पे, हर डायरेक्शन पे, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये मूव करने लग जाएगा। फिर जहाँ पे आपने रखना है इसे टाइट करना। अच्छा एक और नॉब आपको नज़र आता है, यहाँ पर जो आपको नॉब नजर आ रहा है, पहले आपको इस नॉब को यूज करना होगा। अच्छा पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा ये नॉब है, ये राइट एंड लेफ्ट साइड पे ये जा सकता है, ठीक है, ये समझे मैंने यहाँ पे करना है। तो ये इसको आपने इस साइड घुमा देना, तो ये अब स्टिल हो गया, ये अब नहीं सकता, थोड़ा सा तेज कर देंगे, ठीक है। ये देखें ये अब इस साइड पे नहीं हो सकता, ठीक है। इस नॉब को मैं खोलती हूँ। सो इस नॉब को खोलते हैं, इस नॉब से खोलने से क्या होगा, ये साथ में।